ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष है तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय है। आप ही सबको जानने वाले जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप संपूर्ण देवताओं को आदिदेव हैं। तवम आदिदेव पुरुष पुराण, आप संपूर्ण देवताओं के आदिदेव हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराण पुरुष हैं, आप पुराण पुरुष क्योंकि आप सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। यही अक्षर ब्रह्मा को जीव ने पहले तम अक्षर परम विधेयतम पदों से और यहां तम अक्षर पदों से कहा है। ओम नमो आदि नारायणाय, ओम नमो आदि नारायणाय। तमस्य विश्वस्यता निदानम, देखने सुनने समझने और जानने में जो कुछ संसार आता है और संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि जो कुछ होता है वह सबके परम आधार आप है। वेदासी, आप संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं तथा भूत भविष्य और वर्तमान काल तथा देश वस्तु व्यक्ति आदि जो कुछ है उन सबको जानने वाले समग्र आप ही हैं। वेदम, वेदों शास्त्रों संतों महात्माओं आदि के द्वारा जानने योग्य केवल आप ही हैं। परम धाम, जिसके मुक्ति परम पद आदि नामों से कहते हैं, जिससे जाकर फिर लौट कर नहीं आना पड़ता और जिसको प्राप्त करने पर करना जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसे परम धाम आप ही हैं। अनंत रूप, विराट रूप से प्रकट हुए आपके रूपों का कोई परावर नहीं है, सब तरफ से ही आपके अनंत रूप है। दैवत्यादंशम, आपसे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात संसार के कर कर्म आप ही व्याप्त हो रहे हैं। प्रभु, जीव भगवान की कही बातों को ही कह रहे हैं। आदिदेव, इसको भगवान ने अहम आदाय देवाना महिणा का सदस्य पदों से कहा था। यद्यपि प्रकृति भी अनादि है, प्रकृति पुरुष चेव विदा भिन्नादि उभावापि, तथापि अनादि होते हुए भी प्रकृति परमात्मा के आधीन आश्रित है, कारण कि प्रकृति परमात्मा की परिवर्तनशील शक्ति है। पर परमात्मा किसी की शक्ति नहीं है, प्रकृति शक्तिमान है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। पुराण, इसको भगवान ने पुराणम पद से कहा था। भगवान से पुराना कोई नहीं है, क्योंकि वे कालातीत है। परमात्मा से पुराना कोई नहीं, क्योंकि वो कालातीत है। पुरम निधानम, इसको भगवान ने निधानम पद से कहा था। सृष्टि अनंत है, पर वह भी भगवान के एक देश में रहती है। वेता, इसको भगवान ने वेदाय समतीता ही आदि पदों से कहा था। वेदनम, इसको भगवान ने वेदम पद से कहा था। परम धाम, इसको भगवान ने यम प्रत्यता निर्वंतर परम ममम पदों से कहा था। वत्यातम विषम, इसको भगवान ने ये श्रवण कदम और मया कदम श्रवम पदों से कहा था। आप ही वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह है। ब्रह्मा जी के भी पिता आप ही हैं। प्रभु, आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। वायु, जिसके जिससे सबको प्राण मिल रहे हैं, मात्र प्राणी जी रहे हैं, सबको सामर्थ्य मिल रही है, वह वायु आप ही हैं। यम, जो संयम संयमनी पुरु के अधिपति हैं,
जो संयमनी पुरी के अधिपति हैं और संपूर्ण संसार पर जिनका शासन चलता है वे यम आप ही हैं। अग्नि जो सबसे व्याप्त रहकर जो सब में व्याप्त रहकर शक्ति देता है, प्रकट होकर प्रकाश देता है और जठरग्नि रूप में अन्न का पाचन करता है वह अग्नि आप ही हैं। वरुण जिसके द्वारा सबको जीवन मिल रहा है उस जल के अधिपति वरुण आप ही हैं। शशांक जिसके संपूर्ण औषधियां वनस्पतियां का पोषण होता है वह चंद्रमा आप ही हैं। प्रजापति प्रजा को उत्पन्न करने वाला दक्ष आदि प्रजापति आप ही हैं। प्रापितामा पितामा ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले होने से आप प्रापितामा हैं। नमो नमस्कृत संस्कृत पुरुषस्य भयोपि नमो नमस्ते। इंद्र और जितने भी देवता हैं वे सब के सब आप ही हैं। आप अनंत रूप हैं, आपकी मैं क्या स्थिति करूं, क्या महिमा गाऊं। मैं तो आपको हजारों बार नमस्कार ही कर सकता हूं और कर ही क्या सकता हूं। कुछ भी करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर तभी तक रहती है जब तक अपने में करने का बल अर्थात अभिमान रहता है। जब आपने में कुछ भी करने की समर्थ नहीं रहती तब करने की जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं रहती। जब अपने में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रहती तब करने की जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं रहती। अब वह केवल नमस्कार ही करता है, वह केवल नमस्कार ही करता है अर्थात अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है। फिर करने कराने का सब काम शरण भगवान ही भगवान का ही रहता है, शरणागत का नहीं। नमस्कार करने का यह मतलब होता है, किसी को भी नमस्कार करने का मतलब होता है हाथ जोड़ के सर झुका के नमस्कार करने का मतलब होता है अपने आप को उसको शरण में कर देना। ये नमस्कार का मूल मतलब है, चाहे प्रभु को करे, चाहे मूर्ति को करो, चाहे किसी को, चाहे जिस भी जीव जंतु को प्रकृति को नमस्कार करने का ये अर्थ इतना समझ लेना मूल अर्थ ये तत्व से निकल के आया, ये ब्रह्म ज्ञान ये प्रभु ने हृदय में प्रकट किया। इसका अर्थ नमस्कार करने का अर्थ इतना समझ लेना अपने आप को तन मन धन सब कुछ समर्पण करने, नमस्कार का यही अर्थ होता है अपनी आत्मा उसको समर्पण कर देना। इसलिए हर किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए, इसलिए हर किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। नमस्कार सिर्फ और सिर्फ प्रभु को ही करना चाहिए, नमस्कार सिर्फ और सिर्फ प्रभु को करना चाहिए। अगर किसी को भी नमस्कार करते हैं, किसी को भी पक्षी कीट पतंगा धरती जमीन आसमान पंचतत्व को किसी भी व्यक्ति को वस्तु को नमस्कार अगर आप करते हैं किसी मूर्ति को तो उसमें सिर्फ प्रभु को का दर्शन करके ही नमस्कार करें। समझिए ये प्रभु स्वरूप है, जो भी रूप है ये प्रभु का ही रूप है। वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुदेव कुटुंबकम समस्त विश्व मेरा परिवार है, उसमें प्रभु का दर्शन करके ही नमस्कार करें तो वो सीधा प्रभु तक पहुंच जाएगा। ये नमस्कार करने का एक वैदिक भाव तरंग द्वारा नियम है, ये परावाणी में कनेक्ट हो जाएगा। नमस्कार करने का आप नियम समझ लीजिए, नमस्कार इसी तरीके से किसी को भी करें उसमें प्रभु का ही दर्शन करें, प्रभु का ही दर्शन करें। प्रभु नमस्कार का मतलब है समर्पण, भगवान के समर्पित कर देता है। फिर करने कराने सब काम शरण भगवान का ही होता है, शरणागत का नहीं। नमस्कार करने का यही मतलब है, कुछ भी करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर तभी तक रहती है जब तक अपने में करने का बल अर्थात अभिमान रहता है। जब अपने में कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं रहती तब करने की जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं रहती। अब वह केवल नमस्कार ही करता है, नमस्कार ही करता है, नमस्कार नमस्कार ही करता था अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है। फिर करने कराने के सब काम
शरणय भगवान का ही रहता है, शरणागत का नहीं। हे सर्व स्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर, हे अनंत वीर, परमात्मा अनंत वीर हैं, परमात्मा अनंत वीर हैं। हे अनंत वीर, हे अनंत वीर, जीव परमात्मा को नमस्कार करते करते कहता है, हे अनंत वीर, हे अनंत वीर, हे अनंत वीर, हे सर्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से दसों दिशाओं से नमस्कार हो, ऊपर से भी नमस्कार हो, नीचे से भी नमस्कार हो, दाएं से बाएं से दसों दिशाओं से नमस्कार हो। हे अनंत वीर, असीम प्रक्रम वाले, अनंत प्रक्रम वाले, असीम प्रक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं। नमा पुरुषस्तस्ते नमस्ते सर्वतादा एवं सर्व, जीव भयभीत है, मैं क्या बोलूं, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वे आगे से पीछे से सब ओर से अर्थात दशों दिशाओं से केवल नमस्कार ही नमस्कार कर रहे हैं। अनंत वीर्य मित्र विक्रम सृष्टः, अनंत वीर कहने का तात्पर्य है कि आप तेज बल आदि से भी अनंत हैं और अमित विक्रम कहने का तात्पर्य है कि आपके पराक्रम युक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम है। इस तरह आपकी शक्ति भी अनंत है और पराक्रम भी अनंत है। सर्वोषम सर्व, आपने सबको समवर्त कर रखा है, अर्थात संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है। संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो कि आपके अंतर्गत ना हो। जीव एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं कि भगवान प्रभु अनंत सृष्टियों में परिपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं और अनंत सृष्टियों का भगवान के किसी अंश में है, अनंत सृष्टिया भगवान के किसी अंश में है। भगवान के दिव्य विराट रूप को देखकर जीव कहा कि आप अपने तेज से संसार को सप्त कर रहे हैं। स्वतेजसा विश्वमिदं तप्तम्, जो सप्तम करने वाले और सप्तम होने वाले दोनों एक ही विराट रूप अंग हैं। भगवान के उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। ओम उग्र वीर महाविष्णु जलवंत सटो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमः। ओम उग्र वीर महाविष्णु जलवंत सटो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमः। ओम उग्र वीर महाविष्णु जलवंत सटो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमः। लोकेन्द्र प्रवस्थितम महात्मन, जो व्यथित होने वाले त्रिलोक की भगवान के विराट रूप का ही अंग है, भगवान को देखकर देवता भयभीत होकर उनका गुणगान कर रहे हैं। केचिदित्ता प्रंगो गुणांतित, और राक्षस लोग भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। राक्षसी विदानी दिशो द्रवक्ता, जो भयभीत होने वाले देवता और राक्षस भी भगवान के विराट रूप के ही अंग है, कारण कि ये देवता राक्षस आदि कुरुक्षेत्र में नहीं थे, प्रत्युत भगवान के विराट रूप में ही जीव को दिख रहे हैं। देवता और राक्षस भगवान के विराट रूप में जीव को दिख रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्र आदित्य वसु साध्यगण विश्वदेव अश्वनी कुमार मरुदगण पितृगण सर्प गंधर्व यक्ष राक्षस असुर ऋषि महर्षि सिद्धगण वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा सूर्य आदि, और इनके सिवाय भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, जीव संजय धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप के ही अंग हैं।
तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ देखने सुनने सोचने में आ रहा है वह सब अविनाशी भगवान ही है। इसका अनुभव करने के लिए साधक को दृढ़ता से यह मान लेना चाहिए कि चाहे मेरी समझ में आए या ना आए, अनुभव आए या ना आए, स्वीकार हो या ना हो, पर बात यही सच्ची है, जैसे जल के एक कण में और समुद्र में एक ही जल तत्व पर पूर्ण है, जैसे जल के एक कण में एक बूंद में और समुद्र में एक ही जल तत्व पर पूर्ण है, ऐसे ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रत्येक वस्तु में एक ही परमात्मा तत्व, एक ही परमात्मा तत्व, एक ही परमात्मा तत्व पर पूर्ण है। ऐसा मानकर वह हर समय मन ही मन सबको नमस्कार करता रहे, ऐसा मानकर वो मन ही मन सबको नमस्कार करता रहे, उसको वृक्ष नदी पहाड़ पत्थर दीवार आदि जो कुछ भी दिखे उसमें अपने इष्ट भगवान को देखकर वह प्रार्थना करे, प्रभु को देखकर, परमेश्वर को देखकर, ईश्वर को देखकर, भगवान को देखकर वह प्रार्थना करे, हे नाथ मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार, हे नाथ, ऐसी वो प्रार्थना करे। जीव को चाहिए समस्त दृश्य और दृष्टा को देखकर ये प्रार्थना करना चाहिए, चाहे वृक्ष हो, नदी हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, दीवार हो, कुछ भी हो, हे नाथ मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है, हे नाथ मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है, हे नाथ मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है, हे नाथ मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है, हे नाथ मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है, हे परमेश्वर मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे परमेश्वर आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। ऐसा करने से उसको सब जगह प्रभु भगवान ईश्वर परमेश्वर दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में सब कुछ भगवान ही है, वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। सनातन वैदिक विश्व राष्ट्र प्रचार प्रसार यात्रा शुरू हो गई है, विश्व मानुष वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव सर्वम, यतो धर्मस्तु ततो जय, जहां धर्म है जहां जय है जीत है। सनातन धर्म प्रचारक प्रसारक धर्म गुरु अवध के संत महात्मा बाबा जी प्रभु का पुजारी महर्षि आचार्य श्री योगी श्री बद्री विशाल जी, आप सनातन धर्म प्रचार प्रसार में सह परिवार आमंत्रित करते हैं आपको, आप सनातन धर्म प्रचार प्रसार में सह परिवार आमंत्रित हैं। गाय गंगा यात्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा दीक्षा व तप सेवा सुरक्षा रक्षा, ये प्रत्येक मनुष्य का मूल कर्तव्य ही नहीं महान कर्तव्य है। जुड़े सत से जोड़े ओम तत् सत से, जुड़े सत से जोड़े ओम तत् सत से, जुड़े सत से जोड़े ओम तत् सत से, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्ति कर अपने हृदय में अंतकरण में दीप प्रज्वलित करें, परम प्रकाश प्रज्वलित करें और मोक्ष मुक्ति की ओर सच्ची सफलता की ओर आगे बढ़े। ये मनुष्य जन्म अनमोल है, मोक्ष मुक्ति के लिए ही प्राप्त होता है, इसको व्यर्थ ना गवाएं, आगे की यात्रा करें। सनातन वैदिक विश्व राष्ट्र प्रचार प्रसार प्रवास यात्रा शुरू हो चुकी है, आप सभी इस प्रवास यात्रा में सहयोग दें, मदद करें,
तन मन धन से मदद करें। 1008 शिवालय की स्थापना होने जा रही है, हो रही है, आप सभी इसमें साथ आए। सनातन धर्म प्रचारक प्रसारक हम योगी आपको आपसे ये निवेदन करते हैं, आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी गुफा में जो परमात्मा प्रभु परमेश्वर नाथ विराजमान है, उस परब्रह्म को प्रणाम, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, स्वीकार करें। आप सभी हमारे साथ कहें, हे नाथ मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है, हे नाथ मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है, हे नाथ मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। ये शब्द आपको हर पल बोलना है, वृक्ष हो चाहे नदी हो चाहे पहाड़ हो चाहे पत्थर हो चाहे दीवार हो आदि जो कुछ हो, पशु पक्षी कीट पतंगा मनुष्य जो कोई आपको दिखे, मन ही मन ये बोलते रहे, हे नाथ मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है, हे नाथ मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, मैं परमेश्वर मैं आपकी शरण में हूं परमेश्वर, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं परमेश्वर, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं परमेश्वर, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। ओम भद्रकालाय नमः, ओम भद्रकालाय नमः, ओम भद्रकालाय नमः, ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः। सत्य योग नित्य योग राजगुहा योग राज विद्या योग ब्रह्म विद्या योग की स्थापना हो चुकी है, आप सभी लाभ लें, इस योग की जानकारी प्राप्त करें, सत्य सनातन की ओर बढ़ें। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। ओम ब्रह्मांडमाय नमः, ओम ब्रह्मांडमाय नमः, ओम ब्रह्मांडमाय नमः, ओम ब्रह्मांडमाय नमः, ओम ब्रह्मांडमाय नमः। जय श्री हरिहर शेठों के शेठ की जय, जय श्री हरिहर शेठों की शेठ की जो है, जय श्री हरिहर आदि नारायण महादेव शेठों के शेठ की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये सत का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, आप सभी इसको बार बार सुने और शेयर करें ताकि और लोगों को ये सत का ज्ञान प्राप्त हो। हम सत्य सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, आप सभी इसमें सहयोग करें। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। ओ समस्त विश्व राष्ट्र में 1008 शिवलिंग की स्थापना हो रही है, आज पवित्र त्योहार शिवरात्रि का है, आज पवित्र त्योहार शिवरात्रि का है, आज पवित्र त्योहार शिवरात्रि का है, आज 11 मार्च 2021 है, पवित्र त्योहार शिवरात्रि का है। हमारे साथ सभी अनंत देव महादेव स्वयंभू प्रभु को नमस्कार करेंगे, प्रार्थना करेंगे उन महादेव से, स्वयंभू शिव से, परम शिव सदा शिव से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब शिव की शक्ति मां पार्वती को प्रणाम करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम ओम। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान है, यह आदि सनातन ज्ञान है। इस ज्ञान को हृदय के मंदिर में धारण करें, अपनी ऊर्जा को जागृत करें और ऊर्जा से यात्रा ओम लौकिक करें। ओम भू, ओम भा, ओम श्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वज्ञ।